लाइंस ऑफ एंगल्स में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल का मतलब होता है कि कोई भी ट्राइंगल के अंदर जो तीन एंगल होते हैं उनको अगर आप प्लस करोगे तो आपको वो सम जो है वो 180 मिलना चाहिए। अगर 180 नहीं मिल रहा इसका मतलब आपने कहीं पर कोई एंगल का मेजरमेंट गलत लिया है, क्योंकि 180 होना ही पड़ेगा। 180 नहीं हुआ तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है। इसके लिए मुझे यहाँ पे मैं एक बार गिवन ले लेता हूँ। गिवन में मुझे एबीसी इज अ ट्राइंगल, ये हमारे पास गिवन है और हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करना है एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स 180 डिग्री हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और नेक्स्ट हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ऐसा कि यहां से मुझे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, सच दैट द लाइन इज पैरेलल टू बीसी, मैं इसका नाम पी क्यू लिखता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर कंस्ट्रक्शन लिखता हूं। कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे ड्रॉ पी क्यू पासिंग थ्रू ए such that PQ is parallel to BC. Okay? अच्छा, यहां मैं कुछ नंबर्स डाल देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये मैं कुछ नंबर्स डाल देता हूं। अभी प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें जो कंस्ट्रक्शन हमने लिखा है PQ इज पैरेलल टू BC एंड हम AB को हम पहले ट्रांसवर्सल लेते हैं। AC अगर ट्रांसवर्सल हम ले तो हमें 5 के साथ 3 का रिलेशन मिलेगा। कैसा रिलेशन होगा बताओ, 5 के साथ 3 का क्या रिलेशन? दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पे है ना, तो ये रिलेशन तो सिर्फ ऑल्टरनेट में ही होता है ना, तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है। तो हम लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल्स एंगल 5 रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट सेंस PQ is parallel to BC and transversal is what लेंगे AB. AB is the transversal. तो angle 4 का relation किसके साथ होगा? अगर हम AB को transversal लें एक बार तो angle 4 का relation किसके साथ होगा? Angle 1 क्या relation? आपको डाउट है? कैसा डाउट बोलो? ए पी क्यू है, ये बीसी है। बीसी मैंने ट्रांसवर्सल क्या लिया? ए बी लिया ना, हाँ? तो फिर इधर एंगल 1 है, इधर एंगल 4 है। तो देखो मैंने आपको सिखाया था कि जो पेयर ऑफ एंगल्स अगर ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट में हो, एक लेफ्ट में एक राइट में हो, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? तो ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट में है ना, इसलिए ऑल्टरनेट है, और दोनों ही तो इंटीरियर एंगल्स है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम लिखेंगे एंगल 1 and 4 इक्वल। ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्लियर? अब हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखो आप इनको नंबर डाल देना, इसको आप नंबर डाल दो 1 और इसको आप नंबर डाल दो 2। ठीक है, अब हम क्या ये लिख सकते हैं लीनियर पैर? पीक्यू लाइन पे लीनियर पैर लिख सकते हैं? लीनियर पैर तो किसी लाइन पे लिखते हैं ना, किसी लाइन पे पेयर ऑफ एंगल्स अगर लाइन करे तो हम उनके सम को 180 डिग्री दिखाते हैं, यही तो होता है ना लीनियर पैर। तो देखो ये पी क्यू लाइन पे देखो, वर्टेक्स ए को देखो,
वहां पे मुझे दो एंगल का सम 180 बता रहे हैं, बट वहां तो तीन एंगल है ना। तो मैंने सिखा ना, अगर आपको दो बनाना है और वहां दो से ज्यादा एंगल है तो हम क्या करते हैं, किसी एंगल को मर्ज कर देते हैं। तो हम कर देंगे वैसे करके लीनियर पेयर बनाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे जैसे एंगल पी ए सी, मैंने वन और टू को मर्ज कर दिया, प्लस एंगल क्यू ए सी इक्वल्स 180 डिग्री, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। अच्छा पी ए सी में एंगल वन और एंगल टू दोनों आते हैं, एंगल वन और एंगल टू, क्यू ए सी में एंगल थ्री आता है 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ देखो, जो आपने प्रूव किया था थ्री को फाइव से और वन को फोर से, तो यहाँ वन आ रहा है, तो वन और फोर इक्वल है, तो वन की जगह मैं लिखूंगा फोर प्लस एंगल टू, थ्री की जगह हम लिखेंगे फाइव इक्वल्स 180 डिग्री। या तो समझ में हाँ जी, हमें प्रूफ क्या करना है, ये तीनों का सम हमें 180 डिग्री प्रूफ करना है, तीनों को प्लस करके 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो हमारे पास तो पता नहीं ना, मतलब हमें जो थ्योरम प्रूफ करना है उसे प्रूफ करने से पहले तो पता नहीं था ये तीनों प्लस करने से 180 है, लेकिन हम तो जानते हैं ये तीनों प्लस करने से 180 है ना। हम इन तीनों के बारे में जानते हैं बट इन तीनों को हमने अभी तक प्रूफ नहीं किया। तो जबकि ये तीनों प्लस करने से 180 है, अब अगर मैंने इसकी जगह ये लिखा और इसकी जगह ये लिखा तो ऑटोमेटिकली ये तीनों का सम 180 हमें मिल गया। हमें तो इन तीनों के सम 180 से मतलब है, बात समझ में आया। मुझे इन तीनों का सम जो है 1 + 2 + 3 वो मुझे 180 मिल गया, लेकिन मुझे तो ये 2, 4 और 5 का सम 180 चाहिए। तो 2, 4 और 5 मुझे तभी मिलेगा जब मैं 1 की जगह 4 लिख दूं क्योंकि मैंने प्रूफ किया अल्टरनेट एंगल, और 3 की जगह मैं 5 लिख दूं क्योंकि वो भी अल्टरनेट एंगल। तो 1, 2, 3 की जगह 4, 2, 5 आ जाएगा और बस मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, क्लियर। तो हम इसमें रिप्लेस कर देते ना और लिख देंगे फ्रॉम, हमने ये रिप्लेसमेंट कहां से किया, नंबर डाला था ना उनको फ्रॉम 1 एंड 2, हमने वहां से रिप्लेसमेंट किया और देयरफॉर मैं ओरिजिनल नेम लिख देता हूं, ठीक है। एंगल 4 मतलब एंगल बी, एंगल 2 मतलब एंगल ए और एंगल 5 मतलब एंगल सी, 180 डिग्री, ठीक है। तो हैंस प्रूफ।